नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजन। मेरी तरफ से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूँगा एसी की कैपिलरी के बारे में। एसी की कैपिलरी क्यों चेंज किया जाता है और उसमें क्या क्या दिक्कत होती है, दिक्कत होने की वजह से कैपिलरी को चेंज करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो कैपिलरी होती है, कैपिलरी चेंज कब और क्यों करना पड़ता है, तो दोस्तों देखिए, एसी काफ़ी साल चलने के बाद उसके अंदर कुछ चॉकिंग हो जाता है, उसके अंदर मलबा होता है, तब एसी को कूलिंग होने में दिक्कत होती है, कूलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, तब जाके उसे कैपिलरी को चेंज करना पड़ता है, कैपिलरी चोक हो जाता है। तो दोस्तों, इस दौरान आपको कैपिलरी चेंज करना होता है। तो दोस्तों, जब आप कैपिलरी चेंज करोगे, कैपिलरी चेंज करने के लिए आपको उसका डायमीटर और उसका लेंथ के बारे में जानना चाहिए। अगर आप उसका डायमीटर और लेंथ के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप उसे परफेक्ट तरीके से उसमें कैपिलरी इंस्टॉल कर नहीं पाओगे। तो दोस्तों, अगर कर नहीं पाते हैं तो आपकी एसी में बहुत दिक्कत होगी, एसी पूरी तरह ठंड नहीं होगी, या फिर आपकी जो कंप्रेसर है, कंप्रेसर में बहुत दबाव पड़ेगी, तो जाके कंप्रेसर जल्दी से नष्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जो सिम्टम होती है और आपकी जो ये कैपिलरी के डायमीटर होती है और उसकी लेंथ होती है, इसके बारे में टोटल जानकारी मैं आप लोगों के सामने आज मैं बताऊँगा। अगर आप इसको जानते हैं तो इसी सेक्टर में आप बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा होता है कि इसकी साइज कितनी होती है और इसका लेंथ कितना होता है। तो दोस्तों, इसका जब भी लेंथ की बात आती है, तो आपकी जो रेफ्रिजरेटर होती है या फिर जो रेफ्रिजरेटर में कैपिलरी होती है, उसकी तरह इस एसी में कैपिलरी नहीं लगेगी, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में 9 से लेकर 10 फीट की कैपिलरी होती है, इस तरह की कैपिलरी एसी में नहीं होगी। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि एसी की जो कैपिलरी है बहुत ही छोटे होती है, बहुत ही शॉर्ट होती है, तो उसमें कितना साइज होती है, कितना डायमीटर होती है और कितना लेंथ होती है, कितने लेंथ के उसमें लगाना जरूरी है, तो इसी लेंगे आज काफ़ी मैं आप लोगों के सामने बात करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के पास मेरे एक रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नीचे तुरंत सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दे और साथ में दिए गए घंटों का जरूर प्रेस कर दे, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करे। तो दोस्तों, आइए आप कैपिलरी के बारे में जानते हैं कि एक एसी में कितने साइज का और कितने डायमीटर, कितने लेंथ का कैपिलरी लगाओगे। 1.5 टन एसी में उसका कैपिलरी साइज का होगी, उसके डायमीटर और उसके लेंथ का होगी, और 2 टन में का लेंथ का साइज, उसके डायमीटर का होगी। तो दोस्तों, अगर आप 1 टन एसी में 2 टन की जो कैपिलरी होती है वो इंस्टॉल कर देते हैं, तब भी आपकी एसी में दिक्कत आएगी, प्रॉपर तरीके से कूलिंग नहीं होगी। तो ये जो सारी डायमीटर होती है और लेंथ होती है, इस परफेक्ट तरह से आपको इसमें समझना चाहिए और एसी में इंस्टॉल करना चाहिए, ताकि आप बढ़िया से काम कर सके और बढ़िया परफॉर्मेंस एसी में से मिल सके। तो दोस्तों, आइए एक एक करके बात करते हैं। 1 टन एसी में, 1 टन एसी में देखिए, 1 टन एसी में कैपिलरी की डायमीटर साइज होगी 0.055 और लेंथ होगी उसके 32 इंच, 32 इंच की लेंथ होगी, यानी कि लंबा होगी। आप चाहे तो उसमें 5 फीट, 6 फीट, इस तरह की कैपिलरी उस पर इंस्टॉल कर नहीं पाओगे। तो दोस्तों, ये इसका मेजरमेंट होती है। तो दोस्तों, 1.5 टन एसी में कैपिलरी की साइज होगी 0.060 और उसकी लंबाई यानी कि लेंथ होगी उसके 27 इंच, यानी कि 27 इंच उसका लेंथ होगी। उसके बाद 2 टन एसी में कैपिलरी के डायमीटर होगी 0.064, उसकी लेंथ होगी 28 इंच। तो दोस्तों, अभी आपने जाना कि इसका डायमीटर और इसके लंबाई के बारे में, लेंथ के बारे में। तो दोस्तों, अभी आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि इस कैपिलरी को डायमीटर कैसे इसे मेजरमेंट करें, किस यंत्र से इसे मेजरमेंट किया जाए कि इसकी साइज कितनी है, इसकी डायमीटर क्या है। तो दोस्तों, मैं बताऊंगा इस साइज को, डायमीटर को परिमाप करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए डायमीटर की यंत्र होती है, आप उस तरीके से उसे आप मेजरमेंट कर पाओगे, वो कितना डायमीटर है, कितना छोटे है, कितना बड़ा है, वो कौन सी साइज की होती है, आप प्रॉपर जानकारी उस यंत्र के माध्यम से डायमीटर के माध्यम से आप उसे ले सकते हैं, या फिर आपके पास जो बार्नियर स्केल होती है, आप उस तरीके से इसकी मेजरमेंट ले सकती है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपकी बहुत ही फायदा होगी। अगर आप किसी मेजरमेंट नहीं जानते हैं, तो आप उस कैपिलरी को सैंपल ले जाके
आप किसी शॉप में से सेम तरीके के कैपिलरी खरीद के इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज के छोटे से जानकारी। अगर आप लोगों के पास इस वीडियो का अच्छा लगा है तो जरूर आप दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उस भाई इस बारे में जान सके और पूरी तरह अच्छे से काम कर सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए और एक वीडियो के साथ।